हेलो फूडीज, वेलकम टू सुनियास कुक बुक। आपके प्यार की वजह से ये चैनल 500 प्लस सब्सक्राइबर का अकाउंट पार कर चुका है। ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहना। अगर फिर भी आज आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड वेलकम टू सुनियास कुक बुक फैमिली। तो इसी के बाद पर ट्रीट तो बनता है, तो आज मैं आपके साथ लेके आई हूँ नो मैदा, नो ईस्ट, नो ओवन, एकदम थीन क्रस्ट पिज्जा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हमें लेना है गेहूं का आटा, थोड़ा सा हेल्दी वर्जन तो बनता ही है पिज्जा का। इसमें डालेंगे हम नमक स्वाद अनुसार, फिर इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा बेकिंग सोडा यानी खाने का सोडा, ज्यादा नहीं डालना है, ओनली 1/4 टीस्पून डालना है या फिर 2 पिंच डालना है। अभी इस ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों ऐसे ही सपोर्ट करते रहना है ताकि मैं और भी इंटरेस्टिंग रेसिपीज आपके साथ शेयर करती रहूं। फिर हमें डालना है इसमें दही यानी कर्ड, 2-3 टेबलस्पून आप डाल सकते हो। दही डालने से क्या होगा, जो हमारा पिज्जा का बेस है वो एकदम सॉफ्ट होने वाला है, और बेकिंग सोडा यानी खाने का सोडा इसलिए डाला है कि वो थोड़ा सा फ्लफी होने वाला है। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल उसको मॉइस्ट रखने के लिए, आप ऑयल को अवॉइड भी कर सकते हो। अभी हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको हमारा डो बनाना है। अभी रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हम वाटर लेंगे, नॉर्मल पानी है, मैंने उसी दही के कटोरी में इसको मिक्स किया है। अभी हम इसका एक आटा गूंद लेंगे। लास्ट में हम उसको ग्रीस करेंगे ऑयल से और उसे अच्छे से हम नीड करने वाले हैं। आप देख सकते हो ये कितना सॉफ्ट भी बना है। ठीक है, अब ये तो हो चुका है, हम इसको रेस्ट करने के लिए रखेंगे 10 से 15 मिनट के लिए। सो 10 से 15 मिनट हो चुकी है, अब हम इसे एक बार चेक कर लेते हैं। ये एकदम सॉफ्ट हो चुका है। अभी देखिएगा ये पैन है, हम पैन में बनाने वाले हैं पिज्जा, तो आपको चेक करना है पैन की साइज कितनी है एक अंदाजा लेके, और उसी साइज में आपको पिज्जा का बेस बनाना है। तो मेरा जो पैन है उसमें करीबन ये 3 पिज्जा बेस बनेंगे, यानी 1 कप आटे में 3 पिज्जा बेस आराम से बनते हैं। और हमें पिज्जा बेस मोटे भी नहीं बनाने हैं, ठीक है, क्योंकि हमें सिर्फ आटे की रोटी नहीं खाना है, हमें चीज और सब्जियां भी खानी है, इसलिए हम अभी बेस बनाने वाले हैं। ये ज्यादा भी थिन नहीं होगा लेकिन ये मोटा भी नहीं होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे रोलिंग पिन से एक रोटी की तरह उसको रोल कर रही हूँ। आप चाहे तो हाथ से भी उसे प्रेस करके ज्यादा इलोंगेट कर सकते हो। बस इतना ही हमें बनाना है। अभी साइड से हम उसको ऐसा थोड़ा सा पिज्जा बेस वाला लुक देंगे ताकि जो चीज है वो बाहर निकले ना, ठीक है। अभी ये हमारा पिज्जा बेस एकदम रेडी है, देखिए एकदम ज्यादा मोटा भी नहीं और ज्यादा पतला भी नहीं है। एक बार मैं आपको उसकी थिकनेस बता देती हूँ। अब नेक्स्ट क्या करना है, हमें इसको एक फोर्क की मदद से ऐसे पर्क करना है, यानी होल करना है, ताकि इसको हमको फुलाना नहीं है रोटी की जैसा। पूरी साइड से अच्छे से करेंगे हम, देखिए। अब इसी तरह से बाकी के भी कर लेंगे। अभी वो भी पैन को मैंने थोड़ा सा 2 टीस्पून ऑयल लिया है और अब हम उस पर डालेंगे हमारा बेस। तो देखिए कैसा डालना है, जो पर्क की हुई बाजू है वो नीचे की ओर आनी चाहिए, देखिए ये बाजू है नीचे की ओर है।
अभी थोड़ी ही देर में हमको नॉर्मल मीडियम ही हीट रखनी है। अब थोड़ी देर में आप देखेंगे वो थोड़े से बबल्स आने स्टार्ट हो चुकी है। देखिए एक दो बूंद हम तेल की छोड़ देंगे आजू बाजू में ग्रीस होने के लिए। हमें उसको फ्लिप नहीं करना है, हमें पिज्जा बेस को फ्लिप नहीं करना है। अब ऐसे ही हम डायरेक्टली एक प्लेट के ऊपर उतार लेंगे। सेम दूसरा भी पिज्जा बेस हम तैयार कर लेंगे। तो ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे जूलियन ऑफ टोमेटोज लिए हैं, थोड़े से कॉर्न्स लिए और क्यूब्स में मैंने शिमला मिर्च और ओनियन कट किए हैं। आप देख सकते हो, आप चाहे जिस शेप में करेंगे, लेकिन अगर आप जूलियन ऑफ टोमेटोज करते हैं वो एकदम असली मजा आता है वो पिज्जा का। तो मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ रेडीमेड वाला डॉक्टर ओट्स का पिज्जा एंड पास्ता सॉस। ये एकदम रेडीमेड पिज्जा सॉस है, आपको इसमें कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप टोमेटो केचप में यानी टोमेटो सॉस में ओरिगेनो, ब्लैक पेपर और सॉल्ट ये मिक्स करके आप पिज्जा सॉस भी बना सकते हो। तो ये अच्छे से एक लेयर उसकी स्प्रेड कर लेंगे पिज्जा के बेस पे। अभी जो बाजू हमने सेकी है नीचे से, उसी बाजू को हमने ऊपर डाल के पिज्जा बेस की तैयारी करनी है। उसके के ऊपर हम सारा चीज डालेंगे, अपने वेजीज डालेंगे। पहले तो सॉस लगा लिया है, अभी तो हम थोड़ा सा चीज लेंगे। आप जो चाहे चीज ले सकते हो, प्रोसेस चीज ले सकते हो। मैंने यहाँ पे मोजरेला चीज लिया है क्योंकि मोजरेला चीज पिज्जा के लिए एकदम परफेक्ट चीज है। मेरे पास होममेड पिज्जा चीज की भी मैंने लिंक है मेरे वीडियोस में, आप चाहे तो देख सकते हो, या फिर मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अब यहाँ पे मन चाहे हम जिसे चाहे डेकोरेट कर सकते हैं वेजीज को। हमें चीज और भी डालना है लेकिन हम ऊपर से डालने वाले हैं। थोड़े से कॉर्न्स, आपके पास अगर ऑलिव्स है तो आप वो भी डाल सकते हो, ऑलिव्स बहुत ही अच्छे लगते हैं पिज्जा में। पनीर होंगे तो पनीर भी आप रोस्ट करके डाल सकते हो। तो ये एकदम हेल्दी वर्जन है नहीं, ओरिगेनो है अभी ये मेरे पास स्पाइसेस में, तो मैं पहले वो स्प्रिंकल कर दूंगी। ये केया का ओरिगेनो पिज्जा ओरिगेनो है, आप इटालियन सीजनिंग भी ले सकते हो या फिर पिज्जा सीजनिंग भी ले सकते हो। फिर इसके बाद हम डालेंगे चिली फ्लेक्स, ये मेरे होममेड चिली फ्लेक्स है। जो हमारी रेड चिलीज आती है ना, उसको मैंने मिक्सर में एक बार ग्राइंड कर लिया था पल्स में। आप इसे घर पे ही बनाइएगा, चिली फ्लेक्स बहुत ही आसान है बनाने के लिए। फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा एक चुटकी सॉल्ट, ज्यादा सॉल्ट नहीं डालना है क्योंकि ऑलरेडी हमारे चीज में सॉल्ट होता है। अब हम ऊपर से चीज डालेंगे। और एक बार फिर से हम ओरिगेनो स्प्रिंकल करने वाले हैं। तो ये अभी रेडी है कुक होने के लिए। मैंने 1 टीस्पून ले लिया है सेम पैन में, उसका हीट मैंने मेंटेन किया है लो पे, लो फ्लेम रखना है। और धीरे से अब हम ये बेस पैन में डालेंगे। ये हो गया, पैन हीट है मतलब पैन गर्म है दोस्तों, इसलिए ध्यान से करिएगा। अब हम जब तक ये बंद करेंगे लिड, तब तक ये मेल्ट नहीं हो जाता। वाओ,
अब इसको हम प्लेट में ले लेंगे। ये देखिए हमारा रेडी है पिज्जा। ज्यादा मोटा नहीं है, ज्यादा पतला नहीं है और एकदम चीजी चीजी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।